अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, अकेला जनाजा है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर पड़ा हुआ है। जनाजे का वक्त हुआ, जनाजा आया, जनाजा तैयार था तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो लोगों ने, रिश्तेदारों ने, जो इनके रिश्तेदार हैं उन लोगों ने इनके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाला और सारे अंदर कमरे में चले गए, रूम में चले गए, कोई पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि यौमा यफिरुल मरु मिन अखीह, मरने के बाद कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम अकेले हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दुनिया में ही वो मंजर दिखा दिया। मेरी और आपकी कहानी यही है कि जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हमने कितना कुछ किया, आज वो रिश्तेदार हमारे लिए पानी में भीगने को तैयार नहीं है। ये कोई इनकी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। आपका चाहे कोई भी रिश्तेदार कहीं भी इंतकाल हो जाए, सबकी कहानी यही है कि हमारे लिए कोई पानी में भीगने तक गवारा नहीं करेगा, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बदन बारिश से भीग जाए, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे जेब में एक पर्स है उसमें पैसे हैं वो बारिश से भीग जाए, मेरी जेब में एक फ़ोन है वो फ़ोन जो है वो बारिश से भीग जाए, कोई आपके लिए नहीं चाहेगा। ये वही रिश्तेदार हैं जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए आपने ताबड़तोड़ मेहनत की। ये आपने उन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए भर भर के अपनी बेटी को जहेज दिया, भर भर के दावतें की, खूब दावतें की, खूब रिश्तेदारों को बुलाया और खूब रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को नाराज़ कर दिया। हर मौके पर आपने सोचा मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कहीं मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरे रिश्तेदार ये ना सोच ले, वो ना सोच ले, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें सोच सोच कर आपने अल्लाह को नाराज़ किया रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। अब हमारे रिश्तेदारों की ये कहानी है कि मरने के बाद हमारे रिश्तेदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई अपनी कीमती चीज़ों को और अपने जिस्म को भी भिगाना गवारा नहीं करेगा बारिश में, हमारी वजह से अकेले तनहा छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में ही अल्लाह ने यह मंज़र दिखा दिया है और मरने के बाद भी ये मंज़र होगा। इसलिए इससे सबक यह हासिल होता है कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप अपने अल्लाह को नाराज़ ना करें, पहले अल्लाह को खुश करना है, चाहे लोग नाराज़ हों या राज़ी हों, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है, हर हाल में सोचना है। तो ये छोटी सी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।